आवाज बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और संगति प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। जैसा प्रभु के दास ने कहा, दो सप्ताह पहले आप लोगों के साथ संगति में जुड़ने के लिए और परमेश्वर का वचन से मनादी करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। दोबारा एक और बार आप लोगों के साथ ऐसा एक संगति प्रभु ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति करता हूं। खास करके मैं परमेश्वर का दास शिशु शमूएल के लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पिछले सप्ताहों में मैं देख रहा था बेदेल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट के द्वारा आयोजित कई प्रार्थना सभाओं के बारे में मैंने सुना। काफी परमेश्वर के दास लोग ने आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटा है। ओह, कितना आनंद की बात है आप लोगों को इतना सुविधा मिला है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। प्रेसरों में आशा करता हूं और विश्वास करता हूं, जरूर ये सारा प्रचार और परमेश्वर का वचन आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण बना होगा। आज भी रात में समय में जब परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, आप लोग सब प्रार्थना के साथ बैठना है। कोई भी आलसी होकर नहीं बैठना, हम प्रार्थना के साथ बैठने से प्रभु हमारे बीच में निश्चय कार्य करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन केवल सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन में लूका रे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे है तो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। केवल वचन सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके अनुसार जीवन भी बिताना है। मैं आशा करता हूं आप लोग जीवन में जो सुनने वाला वचन क्रियाशील होकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए, ये बेकार ना जाने पाए। आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका पीढ़ियों के लिए परमेश्वर का वचन आशीष का कारण होने पाए, मैं ये आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं। एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। आप लोग वास्तव में बहुत धन्य लोग हैं, ऐसा अवसर आपको परमेश्वर का दास प्रदान करता है, परमेश्वर का भजन सुनने के लिए अवसर देता है। परमेश्वर का दास और आप सभी को एक और बार मैं मसीही वंदना देता हूं। आज परमेश्वर का भजन से मनादी करने से पहले एक दो लाइन में गीत गाऊंगा, प्रचार करूंगा और आखिर में आप सभी के लिए प्रार्थना भी करूंगा। यदि आप लोग के बीच में कोई बीमार हो, आप जरूर आज विश्वास के साथ बैठना है। आज रात आपका है, जरूर आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई प्रदान करेगा। यदि कोई अन्य निराशा के साथ, दुख के साथ, आर्थिक तंगी के साथ बैठा हो, मुझे सुनते हो, आशा रखना, विश्वास करना, हमारा प्रभु, हम जिसकी वासना और सेवा करते हैं, वो अंधा नहीं, बहरा नहीं और गूंगा नहीं। हमारे हर एक बात को परमेश्वर सुनता है, केवल सुनता नहीं, अब जवाब भी देता है। इसलिए वो आशा के साथ परमेश्वर के सामने बैठे, नम्र होकर, दीन होकर, बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आप बैठे। जो परमेश्वर ने मेरे
आज दिल में जो दिया हुआ पवित्र वचन मैं आपको बांटूंगा, वो वचन आपका जीवन में आशीष का कारण होने पाए। उसके पहले मैं प्रचार करने से पहले एक लाइन मैं गीत गाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये गीत जो आप लोग सब जानते हैं, मेरे साथ कृपया मिलकर गा सकते हैं, क्योंकि मिलकर स्तुति आराधना करना कितनी आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी कर के पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी कर के पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, उपकार तेरे हे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। आज का कलाम, आज का जो वचन प्रभु ने दिया है, मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। आप लोग सब सुनते हो, सुनाई देते हो? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सुनाई देता है तो हमारे साथ दीजिए, प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। मैं आज परमेश्वर का वचन से ये बताना चाहता हूँ, योहन्ना सुसमाचार दूसरे अध्याय एक से लेकर ग्यारह तक वचन तक मैं पढ़ूंगा। कृपया अपना बाइबल हाथ में लीजिए, इस वचन की ओर ध्यान दीजिए। योहन्ना सुसमाचार दूसरे अध्याय का पहले वचन से लेकर ग्यारह वचन तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता अभी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु
उसकी माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मड़के धरे थे, जिनमें 2-2, 3 दिन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मड़कों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुख भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी छका जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दुल्लो को बुलाकर उसे कहा, हरेक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रगचौड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपने ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये जो वचन आज आप लोगों ने सुना है, आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। काफी बार आप लोग इस वचन से प्रचार सुने भी होंगे। इधर आज जो वाणी प्रभु हमको सुनाना चाहते हैं, आमेन, सुनने के लिए आप कृपया प्रार्थना के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठे। ये जो वचन हमने जो पढ़ा है, यीशु मसीह के द्वारा किया गया पहला आश्चर्य कर्म है, उसके बारे में हम यहां देख सकते हैं। जब आप नया नियम पढ़ते समय आपको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवकाई के दौरान 37 आश्चर्य कर्म किया है प्रभु यीशु मसीह ने। 37 37 आश्चर्य कर्म का वर्णन नया नियम का किताब में हम पा सकते हैं। उनमें से सर्वप्रथम सबसे पहले किया गया आश्चर्य कर्म है पानी को दाखरस बनाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक अजीब सा बात आपको सुनने में आएगा, लेकिन हमारा प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रभु आमेन अद्भुत कार्य युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक कार्य संभव हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर जो हमने पढ़ा हुआ वचन में कई संदेश हमें मिलता है। इधर गलील के काना में एक विवाह था, ये तीसरे दिन लिखा है। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। तीसरा दिन का मतलब यीशु मसीह का सेवकाई शुरू करने का तीसरा दिन। गलील के काना में किसी का शादी था और वहां यीशु मसीह का माताजी और चेले लोगों को भी वहां न्योता दिया था। दे ऑल वेर इनवाइटेड, वो सबको वो शादी में बुलाया गया था।
प्रेज द लॉर्ड आमेन। इस भजन से हम आपको पहला संदेश ये देना चाहते हैं कि हालेलुया हमें भी इसमें से एक सबक एक सीख ये मिलता है कि हम लोग का जीवन में भी कोई भी कार्य जब शुरू करें कोई भी कार्य हम करें या नया मकान बनाना का बनाने का हो कार खरीदना हो किसी बच्चे का शादी हो या विदेशों में जाना हो हर एक कार्य शुरू करने से पहले हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी बुलाना है उन्हें न्योता देना है क्योंकि ऐसा वो निश्चय हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप सुनने वाला से मेरा भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है बिना यीशु से बिना यीशु का संगति से बिना यीशु का उपस्थिति से अपना बलपूत पर सामर्थ पर या पैसे के वजह से कोई भी कार्य शुरू करें यीशु मसीह को अलग करके करें हमें काफी बार निराश होना पड़ेगा उसका अंत सही हमें उठाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना अभी भी आप लोगों के जीवन में हम में जब शुरू करें ना प्रभु आगे रखें यीशु मसीह को छोड़ एक बार चेले मछली पकड़ने गया रात भर उन्होंने में ये मछली भी नहीं पाया। यीशु मसीह के अलावा हम कोई भी कार्य करने से वहां हमें नहीं मिलेगा। आप लोग सोचते होंगे आमेन हालेलुया यीशु मसीह इतना परमेश्वर है सागले सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है उसको बुलाने से क्या हमारे घर में आएगा वो कैसा संभव हो सकता है। हमारा प्रभु इस दुनिया के मंत्री महोदय को आप बुलाने से शायद आपके घर में आने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं मिलेगा। वो आपको बोलेगा कल आऊंगा परसों आऊंगा या कोई और समय देगा लेकिन हमारा प्रभु इतना महान और करुणामय परमेश्वर है वो यदि आप उनको बुलाएं निश्चय आपके और हमारे घर में जरूर आएगा। ऐसा जिनका घर में प्रभु गया उनका तीन चार आदमी का नाम मैं आपके सामने हालेलुया उदाहरण के दृष्टांत के रूप में बताना चाहता हूं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक था बेथानिया के गांव में मार्था मरियम और लासर नाम का तीन लोग रहते थे। वहां यीशु मसीह को घर में आना जाना होता था। वहां यीशु मसीह वो परिवार से बहुत बेहद प्यार करता था उसके कारण यीशु मसीह को वहां देने के कारण बिना प्रतिबल का इच्छा रखते हुए यीशु मसीह को वहां आने जाने का अनुमति देने के कारण वो घर का द्वार खोलने के कारण आपको मालूम है उस परिवार में एक संकट जब आया परमेश्वर ने वहां अद्भुत कार्य किया। उनका एक ही भाई मार्था मरियम के एक ही भाई था लासर वो बीमार होकर जब ये दुनिया छोड़कर चला गया था उसका देहांत हुआ तो यीशु मसीह ने चार दिन के बाद भी उस मरा हुआ आदमी को जिलाया। प्रेज द लॉर्ड आमेन। मैं बताना चाहता हूं वो दुख भरी अवस्था में वो संकट के समय में यीशु मसीह ने वहां आकर आमेन उस मरा हुआ लासर को जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। वजह क्या है कारण क्या है यीशु मसीह घर में आया जाया करता था
यीशु मसीह के लिए वो घर का द्वार खुला हुआ था। आमेन। यीशु मसीह वो परिवार से बेहद प्यार करता था। मैं सुनने में आया है ये परिवार मार्था, मरियम और लासर, आमेन, तीनों एक अनाथ बच्चे थे। उनके माँ बाप लोग बचपन में ही गुजर गए थे, मर गए थे। आमेन। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह बार बार उस बदानिया का गांव में ये लासर और मार्था मरियम के घर में आया करते थे। मेरे प्रियो, आपका परिवार में संकट, समस्या, परेशानी आने से पहले प्रभु को के लिए अपना घर का द्वार खोल दे। आमेन। ताकि परेशानी संकट के समय में आपको प्रभु यीशु मसीह मदद करेगा। देवतानंदियोड स्तोत्रम, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमेन। दूसरी बात, आपको मालूम है एक आराधनालय का मुख्य, आमेन, याईर नाम का व्यक्ति, क्या 12 साल का लड़की बीमार होकर वो याईर ने क्या किया? वो महान आदमी था, नाम वो समाज में सुनाम व्यक्ति था, ऊंचा स्थान रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने क्या किया? यीशु मसीह के पास जाकर उनके पाँव पर गिरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वजह, इसके नतीजा क्या हुआ? यीशु मसीह ने वो परिवार में जाकर उनका एक ही बेटी था उनको भी झिलाया, उनका दुख को हटाया, वो उनका विलाप को नृत्य में बदल डाला। आमेन, हालेलुया। मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, याद रखिए, ये सब वचन का रेफरेंस है, मैं निकाल कर पढ़कर सुनाना नहीं चाहता हूँ समय का कमी की वजह से। आप लोग वचन पढ़िएगा, आप लोग सब जानते हैं आपका जीवन में संकट, समस्या, परेशानी, दुख से भरी अवस्था आते समय आप भी याईर का समान हालेलुया यीशु के पाँव पर पड़िए। हालेलुया, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे विनती कीजिए, उनकी अपने मन की बातों को खोल कर कहिए। आपका घर में वो आएगा, आपका शांति और समाधान करेगा। ये दूसरा घटना। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, पत्रस, आमेन, पीटर जो यीशु मसीह का चेला था, उनके घर में प्रभु एक बार गया। माँ बहुत बीमार थी बुखार की वजह से, यीशु ने वहां जाकर, आमेन, वो बहन को, आमेन, चंगा किया है। आमेन, हालेलुया। हमारा प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, वो आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है। ओ, यदि हम पुकारने से हमारा पुकार सुनकर, आमेन, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, वो आपके साथ रोने वाला है, वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। वो प्रेस लोड, आप केवल इतना ही करना है, आप उनको बुलाइए अपने घर में, अरे आप उनके लिए समय दीजिए, अपने मन की बात उनके सामने रखिए, आपका जीवन में शांति और समाधान मिलेगा। एक और बात के बारे, आदमी के बारे में, जहां प्रभु यीशु मसीह गया था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब अच्छी तरह वाकिफ है जकाई कान बारे में, लूका रजिस सुसमाचार 19 आयत में आप इसका बारे में पढ़ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। ये महान आदमी था, धनी आदमी था, आमेन, उनके पास कोई कमी नहीं था, लेकिन ये कदम में नाटा था। उनके दिल में एक बार हालेलुया ये इच्छा आई कि मुझे यीशु को देखना है। यीशु मसीह जिस रास्ते से आ रहा था, वो दौड़कर आगे जाकर एक गूलर का पेड़ में बैठ गया। वहां से यीशु जाते समय गूलर का पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ अपना नजर लाकर उनको बुलाया, हे ज़कई,
तू जल्दी झट नीचे उतर आ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु को ग्रहण करके यीशु के साथ साथ जखई का घर में गया। आमीन, हालेलुया। उस रास्ते में भी जाते वक्त आमीन ये जखई ने अपना मन फिराव करके अपना दिल की बात यीशु के सामने समक्ष में खुल्लम खुल्ला बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आगे वो लोग देखने वाला बोला है, एक पापी मनुष्य के घर में रहने के लिए गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, उधर जाकर उस यीशु ने क्या कहा, ये व्यक्ति भी अब्राहम का खानदान का व्यक्ति व्यक्ति है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जहां भी गया हो ये घर में उद्धार आया। वो एक पापी मनुष्य था, दुनियादारी बातों के पीछे चलता था, बहुत पैसा कमाने वाला था, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूं, आपके पास कितना भी धन दौलत हो, हालेलुया, वो कोई काम नहीं आएगा। आपको उद्धार पाना बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के लिए हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह का नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया गया है। आमीन, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये कोई पैसा देकर खरीद नहीं सकता, ये बाहर देशों से नहीं मिलता, ये बेनिया का दुकान से नहीं मिलता। आमीन, ये उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, फ्री है, इट इज गॉड्स गिफ्ट है, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक यदि आप ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार नहीं किया हो, आज रात्रि का समय आपके लिए एक मौका है। आमीन, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, हालेलुया, मेरे जीवन में आल, मेरे परिवार में तू आ, मेरे दिल में तू आ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आपको हालेलुया स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ये चार पांच परिवार के नाम हालेलुया मैंने आपको ऐसा मिसाल के तौर पर बताया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, यदि प्रभु आपके घर में आए, आपका परिवार का अवस्था बदल जाएगा, आपका परिवार में शांति मिलेगा, आपका बच्चे के ऊपर आशीष मिलेगा, आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा, आपके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीवन में अरे जो खुशी आज तक नहीं मिला वो खुशी आपको जीवन में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु इसको साथ साथ चलेगा तो आपके सामने जो कोई भी रुकावट क्यों ना हो, वो सब रुकावट को प्रभु हालेलुया आमीन निकालेगा, उसका समाधान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में प्रभु के साथ रखा है तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो शैतान ने बनाया हुआ षड्यंत्र के ऊपर आपको जय पाने का अवसर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के साथ रहिए, प्रभु को हमेशा आपके साथ रखिए। दुनिया के लोगों के साथ चलने से आपको निराशा होगा, दुख होगा, परेशानी होगा। हालेलुया, इसलिए दाऊद राजा 16 भजन संहिता में लिखता है, मैं परमेश्वर को हालेलुया हमेशा मेरे सन्मुख में रखा है, वो मेरी दहने और होने के कारण मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ है तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको हालेलुया हर परेशानी से परमेश्वर छुड़ाएगा। वो हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु है। आपको मालूम है 430 साल हालेलुया मिस्र देश में बंदुआई में पड़े रहने वाला
इसराइली लोग को मूसा के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद उनको कनान देश की ओर ले जाते समय उधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया हमारा प्रभु परमेश्वर उनके आगे आगे चला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन। एक बार यदि प्रभु आपका दिल में आ जाए फिर आप अकेला नहीं, आपका हर परिस्थिति में, आपका हर रास्ते में, आपका हर जगह पर आपके साथ प्रभु चलेगा, हर मुसीबत को दूर करेगा, आपका हालेलुया जिंदगी का परेशानी को दूर करेगा, आपका बीमारी को चंगा करेगा, आपका बच्चे का जीवन में हालेलुया वो आश्चर्य कार्य करेगा। क्या आप बाप जी विश्वास करते हैं? हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज रात के समय में परमेश्वर की आत्मा आपसे ये बात बताना चाहते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह को साथ चलिए, यीशु मसीह को अपने घर में बुलाइए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है काफी परिवार में अशांति है, काफी परिवार में मियां बीबी का लड़ाई है, काफी परिवार में बच्चे लोग अपना रास्ता अलग बनाया हुआ है। आमीन। काफी माँ बाप बच्चे के प्रति आज भी रोते हैं, रात को उनको नींद नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि प्रभु आपके घर में हो, प्रेज द लॉर्ड हर वातावरण को वो सही करेगा, आपको मदद करेगा, आपको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु को नीचे अपने साथ रखना, आप उनको बुलाना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इधर एक बड़ा संकट आया, शादी का घर है, उधर एक परेशानी हुआ। आप लोग सब जानते हैं यदि हमारे घर में ऐसा एक विशेष दिन में, शादी के दिन में कोई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसा एक घटना घट जाए, आपको और हमारा हालत क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। इधर हमें मैंने सुना है यहूदी लोग का शादी के रीति रिवाज 7 दिन तक चलता है, सुना है। हालेलुया लोग आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं चलते हैं। इधर क्या हुआ, अचानक उनका घर में परेशानी आया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उधर दाखरस घट गई, हालेलुया आने वालों को दाखरस देने के लिए नहीं है वो परिवार के अंदर। हालेलुया उनका मुखिया और उनका परिवार के लोग परेशान होकर रोने लगा। आ उनका परेशानी को देखकर यीशु मसीह का माँ ने यीशु मसीह के पास जाकर उनका समस्या को बताया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परिवार में हुल्लड़ मच गया, उस परिवार में हालेलुया रोने का आवाज उठने लगा। आमीन। उनको समाज में वो हालेलुया वो बदनाम हो जाते हैं। हालेलुया सारी बातों को समझकर आमीन यीशु मसीह का मां इस बात को यीशु मसीह कान में पहुंचा दिया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, हे हालेलुया महिला मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। आमीन हालेलुया। उसके माता जी ने यीशु मसीह का मां ने 6 सेवक लोग से कहा, यदि जो कुछ हो प्रभु कहे वैसा तुम लोग करना है। यीशु मसीह ने उधर एक हालेलुया देखा है तो 6 मड़के आमीन हालेलुया वो बाहर पड़ा हुआ 6 मड़के आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति रिवाज के अनुसार पत्थर के 6 मड़के धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मड़कों में पानी भर दो। आमीन। उन्होंने मुंह भर दिया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। उसके बाद यीशु ने कहा, अभी ले जाकर आ भोजन का प्रधान के पास ले जाओ। और ले गया और ये चख कर जब देखा तो बहुत अच्छा दाखरस बन चुका था। हालेलुया। मैं उधर से एक संदेश आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
हम भी हालेलुया ऐसे अवस्था में पड़े हुए लोग थे। प्रेज द लॉर्ड, कोई पूछता नहीं था। हालेलुया, कोई हमारा कोई परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, हमें कोई नहीं जानता था। हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें चुनने के कारण, यीशु मसीह का संधान बनने के कारण हम भी बहुत बहुमूल्य दाक्रस के समान हम भी उनके नजर में अनमोल और बहुमूल्य हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन दाक्रस को एक अच्छा रंग है। दूसरी बात, पानी का कोई खुशबू नहीं है, लेकिन दाक्रस को अच्छा खुशबू है, फ्रैग्रेंस उसका बहुत बढ़िया है। हालेलुया। तीसरी बात, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन दाक्रस बहुत टेस्टी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूं, ये इसी रीति से आमेन, यदि हम भी परमेश्वर के वाणी सुनेगा, परमेश्वर का आज्ञा मानेगा, परमेश्वर का वचन ग्रहण करेगा, तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आ परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, हम तुच्छ थे, मूर्ख थे, नालायक थे, आमेन, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने हमें चुना। हालेलुया, हमें उनका संधान बना लिया, हमारा रंग बदल डाला, हमारा स्वभाव में परिवर्तन लाया, हमारे हालेलुया हमारे द्वारा अनेक लोगों तक ये प्रभु यीशु मसीह का खुशी का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, यदि आप ये प्रभु यीशु मसीह के को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करेगा, तो आमीन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका दुख मिट जाएगा, आपका परिवार में शांति मिलेगा। उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह का वाणी सुनिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु आपको नीचे आशीष देगा। मैं इस वचन से आपको 5 बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, मैंने आपको पहले बताया, पहली बात, हालेलुया, आप यीशु को अपना हर एक कार्यक्रम में बुलाना है। समझ में आया? यीशु मसीह को हमारे हर एक कार्यक्रम में न्योता देना है, इनविटेशन देना है। हालेलुया, ताकि ये खाना का विवाह घर में जो दुख भरी अवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने जैसा वो समाधान किया, आपका जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आपका समस्या का समाधान करेगा, आप कभी लज्जित नहीं होने देगा, आपका निराशा को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड, वो असंभव को संभव में बदल डालेगा। इसलिए विश्वास के साथ ये वचन को ग्रहण कीजिए, आप यीशु मसीह को अपने साथ रखिए। नंबर 2, दूसरी बात, हालेलुया, आपका हालेलुया जीवन का समस्या यीशु के साथ बांटिए, इन्वॉल्व विद जीसस। चुपचाप रहने से इधर हमें समस्या का समाधान नहीं होता, आप इन्वॉल्व कीजिए, यीशु मसीह के सामने कुल्लम कुल्ला बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा तारणहार है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा रिडीमर है, हमारा उद्धार करता है, हम उसका संधान है। हालेलुया, इसलिए धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपने मन की बात खोल कर कहिए। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में निश्चय कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, एक महान व्यक्ति था आर्य समाज का, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आमीन,
प्रभु के लोगों को बहुत तंग करता था, रतलाम में परेशान करता था। प्रेज द लॉर्ड। ओ व्यक्ति, हालेलुया, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको पकड़ा। यीशु मसीह का प्रेम में वो आ गया। यीशु मसीह ने उनको अपना आले बैठा बना लिया। तब उन्होंने क्या किया मालूम है? हालेलुया, एक गीत लिखा है, हालेलुया, आप सब वो गीत जानते हैं। उसका ऐसा बोल, ऐसा बोली ऐसा है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, वो लिख रहा है, मुझे खरीदा हे मसीह ने खून देख, मुझे खरीदा हे मसीह ने खून देख, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके, पुत्र ने हे पिता से मिलाया, पुत्र ने हे पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रभु के संधान बन जाते से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका रंग बदल जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, आपका परिवार में शांति मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आपके मन की बात, आपका दुख, आपका तकलीफ, आप परेशानी को प्रभु के सामने खोल कर कहिए, वो हमारा उद्धार करता प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, हालेलुया, मैं आपको इसमें से बताना चाहता हूँ, ओबे जीसस, यीशु मसीह का आज्ञा मानो। हालेलुया। इधर जब वो घर का दास लोगों को, जो प्रभु ने सेवक गणों को प्रभु ने बोला, तुम लोग वो मड़के में पानी भरो, अगर वो सेवक लोग पानी ना भरता, अरे हमें, हम पागल है क्या, ये मड़के में पानी क्यों भरना है? उसका अनाज्ञाकारिता करने से हमें उधर कोई कार्य नहीं होता, उधर अद्भुत कार्य नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हम उसका आज्ञा माने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है जो उनसे प्रेम करता है वो उनकी बातों को, आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कोई, प्रभु के आज्ञा कोई कठिन नहीं है, हमें सरल है। हालेलुया। इसलिए हमें, यदि हम प्रभु का आज्ञा माने, हालेलुया, जिनमें दुख, परेशानी और परमेश्वर की ओर से श्राप मिलेगा। हालेलुया। कई हमें लोगों के बारे में बताने के लिए है परमेश्वर का वचन में। आपको मालूम है, लूत, लूत का पत्नी और लूत का परिवार को सदोम उमरा से परमेश्वर ने आले बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। बोला, इधर कहीं कड़ा नहीं होना, भाग जाओ। हमें, क्योंकि वो शहर नाश होने का था। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद लूत का पत्नी ने पीछे मोड़ कर देखा। प्रेज द लॉर्ड। वो नमक का खंबा बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वजह क्या है? उसने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2019 में मैं जब यरूशलेम गया था, आमीन, पालस्तीन, यरूशलेम, आमीन, हालेलुया, इजिप्ट, इत्यादि देशों में जब देखने के लिए गया, तो ये लूत का पत्नी का एक फोटो नहीं, एक एक क्या बोलते हैं, मूर्ति बना, मूर्ति जैसा बनाकर रोड के किनारे रखा हुआ। उस स्थान पर लोगों को देखने के लिए लूत का पत्नी को क्या हुआ था? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्रियो, आज्ञा का उल्लंघन करने से आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, ये दुनिया के, ये संसार का आज्ञा मानने, ना मानने से, आमीन, हमें सजा मिलता है। तो
परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने से कितना भयंकर सजा हमें मिलेगा। सादा पगले आमीन। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वरूप और समानता में बनाकर रखने के बाद उनको दिया हुआ निर्देश आज्ञा का उल्लंघन कर मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसी को पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पांवों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खुद अपना बहाया। क्रूस पर खुद अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खुद देकर। मैं हूँ उसका मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने हे पिता से मिलाया। पुत्र ने हे पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसी को पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसी को पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसी को पाया। मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। रात काली बीत गई है हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया
जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, सब लोग मिलकर गाएंगे, जीवन बदल गया जैसे मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसी को पाया मेरा जीवन बदल गया। बस वे ഇതിനകത്തൂടെ പറഞ്ഞോളൂ, ഓക്കെ, ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ പാസ്റ്റർ. കേക്കാം, ബാക്കി കേക്കാം. കേക്കാം, ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ സ്പീക്കർ ഇട്ടേക്കോ. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മേ പുരാ കർമ്മയി പായ മെസ്സേജ് आप लोग क्षमा करना, बाकी भाग में बताना चाहता हूँ कि हमें आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा मानना है, आज्ञा मानकर आगे बढ़ना है। आदम और हव्वा ने आज्ञा नहीं माना, उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया, उसके कारण परमेश्वर के साथ उनका संगत भी टूट गया, वो शैतान का गुलाम बन गया। हमें जब परमेश्वर हमें छोड़ देगा, हमारे जीवन बेकार हो जाता है, हमारा पारिवारिक जीवन बेकार हो जाता है। हमें इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम परमेश्वर का आज्ञा को कभी ना उल्लंघन नहीं करना। हालेलुया। तो तीन चीज मैंने बताया, यीशु मसीह को बुलाना है, यीशु मसीह के साथ अपना समस्या बांटना है, और यीशु मसीह का आज्ञा मानना है। चौथी बात यह है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हालेलुया रूप देखकर नहीं, हम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मसीही जीवन विश्वास का जिंदगी है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कराना अनुभवना है, यीशु के पास आने वाला आपको ये विश्वास होना चाहिए, हमारा प्रमुख है और जो उनका सोचता है उनको प्रेम देता है। मेरे प्रियो, हमें हालेलुया, हमें परमेश्वर का बात पर, परमेश्वर का वचन पर शक नहीं करना है, हमें उस पर भरोसा करना है, हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। मेरा प्रभु, मेरा छुड़ाने वाला, अरे मेरे जीवन में इस
निश्चय कार्य करेगा, मेरे परिवार में निश्चय कार्य करेगा, मेरे बच्चों के जीवन में निश्चय कार्य करेगा, आज मुझे जरूर स्वर्ग में ले जाएगा। ये विश्वास आपके जीवन में होना चाहिए, आपका ये विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरती दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, वो आज भी स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। इसलिए ये धोखेबाज नहीं हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु आने जो बोला है उनका हर एक बात हाँ हाँ ही है। हालेलुया। आज उनके पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होने के बाद चौथी या पांचवी बात यह है, हालेलुया ग्लोरीफाई जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर जब ऐसे ऐसे कार्य करता है, हमारा सोचने से विचार करने से परे परमेश्वर जो कार्य करता है, आपको उनको महिमा देना है, आपको धन्यवाद देना है, आप उनको सुधि करना है, आपको उनके पीछे चलना है, उनकी हालेलुया दवा बनना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही कार्य प्रभु हमसे चाहता है, शरीर का शरीर का खाना में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे विवाह का घर में जब परेशानी आया था, संकट आया था, प्रभु ने वहाँ आश्चर्य कार्य किया है। हालेलुया। इसलिए आप हर एक कार्य में ईश्वर से बुलाना है, आप हर एक बात दिल के बात उनके पास बांटना है। हालेलुया। आप जब कभी मौका मिले, घर में हो, कलीसिया में हो, कोई भी स्थान हो, उतना देकर आपके दिल की बात जो परमेश्वर के साथ बांटिए। तीसरी बात, प्रभु जो कुछ कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाइए। ओबे जीसस। हालेलुया। आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। चौथी बात, बिलीव इन जीसस। यीशु मसीह पर विश्वास रखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा तारणहार, मेरा पालनहार, मेरा मुक्तिदाता मेरे जीवन में, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे कलीसिया के लिए निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा। ये सब होने के बाद आखिरी बात, ग्लोरीफाई जीसस। परमेश्वर को महिमा दो। हम स्वयं कोई महिमा नहीं लेना है। ग्लोरीफाई जीसस। प्रभु तेरा काम के लिए धन्यवाद, तेरे महान कार्य के लिए धन्यवाद करके परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें, मैं आशा करता हूँ आज जो सुनाया गया वचन आप सबके जीवन में आज कारण रहा होगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि कोई बीमार हो, कोई अन्य समस्या के साथ हो, हालेलुया, कृपया मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज मेरा वचन सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। जिससे हालेलुया रेलकोट जांचों बोर्ड आने मेरे संग के लिए वहां का विश्वासी गण के लिए आज मुझे सुनने वाला अरे एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभावंत। जो कोई आने में दुखी में है, जो कोई बीमार है, कोई अन्य परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, पर मेरे हालेलुया सबका जीवन में आज रात्रि का समय में एक नया अनुभव चतुराई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। देख खुदावंत तो उनका जीवन में हालेलुया कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। उस इलाके से अनेक लोग प्रभु यीशु से वह जाते के लिए वो कलीसिया में अनेक आत्मा को जीतने के लिए प्रभु सहायता करना। परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अपना दास को दो अभिषेक कर नया बल नया शक्ति के साथ तेरे सेवकाय में निरंतर आगे बढ़ने पाए। अरे कोई शैतानी प्रभाव उनके जीवन में ना होने पाए। ईश मसीह के लोगों के द्वारा बारह बार कर उन्हें गोली करना परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तूने हमारा प्रार्थना सुना, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के पवित्र मित्र नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर प्रभु का श्रेष्ठ वचन बोला। हम बहुत आभारी है। अभी प्रभु का दास के लिए पास्टर ओम प्रकाश जी प्रार्थना करेंगे।